जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बटन। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र जी के, जिसमें से आज का जो लेक्चर रहेगा चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है गोल्फ। हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 13 तक खेल खिलाड़ी चैप्टर में सब्जेक्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, पोलो, इसके अलावा हम लोग हॉकी देखे हैं। तो इस तरह के ओलंपिक के विषय में भी हम लोग देखे हैं सारा, उसके विषय में, इतिहास के विषय में जानने की कोशिश किए हैं, उसके इन फ्यूचर क्या है, कहाँ पे होना है स्थापित, कितने कप, इसके में कितना कप है, कप के विषय में जानकारी मिली है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चन देखे हैं। तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस होता है, एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है। तो गोल्फ के विषय में देखते हैं। तो गोल्फ इसका चैप्टर नंबर 14 है। गोल्फ का जो उद्भव हुआ है 15वीं शताब्दी के दौरान स्कॉटलैंड के पूर्वी तट पर हुआ, और लीथ के गोल्फरों ने 1744 ईस्वी में प्रथम क्लब की स्थापना किया। डक्कन फोर्स ने क्लब नियमों को तैयार किया और 1759 में स्ट्रोक प्ले ने गोल्फ में प्रवेश किया। तो बहुत इम्पोर्टेंट। इसके अलावा 1867 में प्रथम महिला गोल्फ, इसे बोलते हैं सेंट एंड्रूज क्लब, की स्थापना की गई, और 1890 में गोल्फ ओलंपिक खेल पेरिस में शामिल हुआ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है जो गोल्फ 1890 में ओलंपिक खेलों में, जहाँ जो पेरिस में आयोजित हुआ था, वहाँ पे शामिल हुआ। तो गोल्फ क्वेश्चन आ सकता है, गोल्फ कब ओलंपिक खेल में शामिल हुआ? तो 1990 में पेरिस के ओलंपिक खेल में शामिल हुआ। 1916 में प्रोफेशनल गोल्फर एसोसिएशन अमेरिका में गठित हुआ। इसके अलावा 1958 में विश्व एमेच्योर गोल्फ काउंसिल की स्थापना हुई। 2003 में इसका नाम परिवर्तित करके अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन IGF कर दिया गया। IGF का मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन का मुख्यालय जो है लुसाने स्विट्जरलैंड है। खेल का स्वरूप देखते हैं। इस खेल में खिलाड़ी व्यक्ति अथवा टीम के रूप में भाग लेते हैं। खिलाड़ी 2, 3 या 4 के समूह में खेलते हैं। इस खेल में के दो प्रकार होते हैं, मैच प्ले, इसमें ज़्यादा होल जीतने वाली टीम विजयी होती है, मैच प्ले इसे बोलते हैं, मैच प्ले, जो ज़्यादा होल जीतती है वो टीम क्या होती है, विजयी होती है। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं। स्ट्रोक प्ले किसे कहते हैं? वह खिलाड़ी विजेता होता है जिसमें कम स्ट्रोक में कोर्स को समाप्त कर देता है, कम स्ट्रोक में कोर्स को समाप्त कर देता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक प्ले। तो दो चीज़ आपने देखा। इसके अलावा देखिए गोल्फ के परिमाप के विषय में देखते हैं। जो गोल्फ कोर्स का क्षेत्रफल होता है 125 से लेकर 175 एकड़ तक होता है। बाल का वजन होता है 45.93 ग्राम से, और इसका परिधि होता है 4.27 सेंटीमीटर होता है। जो होल का व्यास होता है 4.25 इंच होता है। इसके अलावा देखिए टी किसे बोलते हैं? वह समतल भूमि जहाँ से पहला शॉट लगाया जाता है वहाँ उसको टी बोलते हैं। फेयरवे किसे बोलते हैं? वह क्षेत्र जहाँ घास बारीकी से कटी होती है तथा जिसके सहारे खिलाड़ी गेंद को हिट करता है उसको बोलते हैं फेयरवे। रफ एरिया, फेयरवे के किनारे की घास को बोलते हैं रफ एरिया। हेजार्डस किसको बोलते हैं? इसके अंतर्गत पानी और खंदक के क्षेत्र शामिल होते हैं उसे बोलते हैं हेजार्डस। पंटिंग ग्रीस, जिसमें होल स्थित होता है उसे बोलते हैं पंटिंग ग्रीस। क्लब, गोल्फर गेंद को क्लब से स्ट्रोक मारकर होल में डालता है उसे बोलते हैं क्लब। इसके अलावा देखें, एक गोल्फर अधिकतम 14 क्लब का प्रयोग कर सकता है, 14 क्लब का प्रयोग कर सकता है। प्रत्येक गोल्फर को अपने साथ क्लब लेकर चलने के लिए एक कैंडी रखने की अनुमति होती है, ठीक है। वुड का प्रयोग, देखिए वुड का, इसका प्रयोग लंबी दूरी के शॉट्स के लिए किया जाता है। यह सामान्यतः लकड़ी, प्लास्टिक या हल्की धातु से बना होता है। आयरन क्या होता है? यह सामान्यतः स्टील से बना होता है। छोटे शॉट मारने के लिए आयरन का प्रयोग किया जाता है। पटर क्या होता है? पटर यह हल्के धातु से निर्मित होता है जिसका प्रयोग गेंद को ग्रीन पर पंटिंग करने के लिए किया जाता है, तो पटर इसे बोलते हैं। इसके अलावा देखिए प्रमुख शब्दावली देखते हैं। प्रमुख शब्दावली में देखिए होल, हाल्फ, पार, हैंडीकैप, बंकर, फ्लैग स्टिक, बोगी, फोरसम, स्टाइम टी, पुल हॉट, न्यूमालिक,
कैंडी, लिम्स, आयरन कोर्स, लाई, पोस्ट इत्यादि, ये सब क्या प्रमुख शब्दावली, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। और प्रमुख गोल्फ विश्व कप के विषय में देखते हैं, इसका आरंभ जो हुआ 1953 में हुआ, यह पुरुषों की वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा है। प्रारंभ में यह कनाडा कप के नाम से जाना जाता था, जिसे वर्ष 1967 में विश्व कप नाम दिया गया। अब देखते हैं महिला विश्व कप, महिला विश्व कप इसका प्रारंभ जो हुआ सन 2000 में हुआ, यह महिलाओं की पेशेवर स्पर्धा है, 2008 से इसका आयोजन नहीं किया जा सका है। अब देखते हैं ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम के विषय में देखते हैं, गोल्फ में ग्रैंड स्लैम शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1930 में चार प्रमुख गोल्फ स्पर्धाओं जिसमें अमेरिकी ब्रिटेन ओपन, अमेरिकी एवं ब्रिटिश एमेच्योर को जीतने वाले बॉबी जोस के लिए किया गया था ग्रैंड स्लैम। इसके अलावा देखें ग्रैंड स्लैम का आधुनिक नाम क्या है, द मास्टर्स अप्रैल में, द यूएस ओपन जून में बोला जाता है, द ओपन चैम्पियनशिप जिसे द ब्रिटिश ओपन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जुलाई में होता है, और द पीजीए चैम्पियनशिप अगस्त को एक कैलेंडर वर्ष में जीतना होता है, अगस्त में होता है द पीजीए चैम्पियनशिप, एक कैलेंडर वर्ष में जीतना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड स्लैम, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं गोल्फ की अन्य प्रतियोगिता भी देखते हैं, जिसमें से अर्बन गोल्फ, राइडर कप, सालहिम कप, प्रेसिडेंट्स कप, वाकर कप, कार्टिस कप और ईवीएस कप, द सेवे ट्रॉफी, टामी बहामा चैलेंज, पाल्मर कप, पीजीए टूर, पीजीए यूरोपियन टूर इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, गोल्फ की अन्य प्रतियोगिता होती है। तो ये हम गोल्फ के विषय में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, सारा हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन में देखे हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बेसबॉल, इसको देखते हैं। बास्केटबॉल हम लोग का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो बेसबॉल हम लोग का चैप्टर नंबर 15 है, इसको देख रहे हैं। बेसबॉल जो है 19वीं सदी के मध्य अमेरिका में विकसित हुआ, 1845 में अलेक्जेंडर कार्टराइट ने इस खेल के नियमों को लिखा, इन्हें क्या बोलते हैं, आधुनिक बेसबॉल का पिता माना जाता है। इसके अलावा वह खिलाड़ी जो बॉल को बैटर के लिए फेंकता है उसे बोलते हैं पिचर। देखिए बहुत छोटा चैप्टर है। बेसबॉल का परिमाप के विषय में देखते हैं, बैट जो होता है गोली होता है, बैट की लंबाई होती है 42 इंच और अधिकतम व्यास होता है 2.75 इंच, बाल की परिधि होती है 9 से लेकर 9.25 इंच तक होता है, और बाल का व्यास होता है 2.86 से 2.94, बाल वजन होता है 141.75 से 148.83, प्रत्येक बेस की दूरी होती है 90 फीट, बेस की दूरी कड़र सहित होता है 127 फीट। इसमें प्रमुख शब्दावली है होम, डायमंड, पिच, बैटर, होम रन, बैट्समैन, स्ट्राइक एंड रबर इत्यादि। तो हम लोग बेसबॉल को हम लोग देख लिए, कंप्लीट कर दिए। अब देखते हैं बिलियर्ड्स के विषय में चैप्टर नंबर 16, इसी लेक्चर में इसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए बिलियर्ड्स की उत्पत्ति जो हुई थी 15वीं शताब्दी में हुई, स्नूकर खेल का जन्मदाता जो है बिलियर्ड्स से हुआ। बिलियर्ड्स फेस शब्द बिलार्ड से उत्पन्न हुआ, जिसका आशय होता है एक लकड़ी की छड़ी या बिल्ली एक गेंद, ठीक है, वह एक गेंद। स्नूकर शब्द से अंग्रेजी भाषा भाषी देशें यथा जो है इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, कनाडा, साउथ अफ्रीका में लोकप्रिय है स्नूकर शब्द। और वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन की स्थापना हुई 1968 में, इसका मुख्यालय है ब्रिस्टल, यूनाइटेड किंगडम, यूके में है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के स्थापना जो हुआ है वर्ष 1968 में, इसका मुख्यालय है ब्रिस्टल और यूके में। इसके अलावा देखिए वर्ल्ड लेडीज बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन, इसका स्थापना वर्ष हुआ 1981 में। देखिए वर्ल्ड बिलियर्ड्स एंड स्नूकर परिषद की स्थापना 1971 में हुआ था। इसके अलावा और चीज़ देखते हैं, इस परिषद ने वर्ष 1973 में अपना नाम बदलकर क्या रख दिया, इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन कर दिया। इसका मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। IBSF विश्व में गैर पेशेवर स्नूकर एवं इंग्लिश बिलियर्ड्स की प्रतियोगिता आयोजित कराता है।
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट की स्थापना वर्ष 1992 में हुई है। देखिए इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड है। यह संगठन क्यू स्पोर्ट्स बिलियर्ड्स टाइप गेम जिसमें कैरम बिलियर्ड्स विभिन्न श्रेणी के पूल गेम्स और स्नूकर आदि शामिल हैं इसका आयोजन करता है। बिलियर्ड्स खेल के दो प्रकार होते हैं तो देखते हैं कौन कौन से। पहला तो इंग्लिश बिलियर्ड्स, यह एक मेज पर दो खिलाड़ियों या दो जोड़ियों द्वारा खेला जाता है। इसका मेज की लंबाई होती है 3.66 मीटर और चौड़ाई होता है 1.83 मीटर या 12×6 फीट बोल सकते हैं लंबाई चौड़ाई। मेज का प्रमुख अवयव क्या होता है, देखिए कुशन होता है, टॉप पॉकेट होता है, सेंटर पॉकेट, बॉटम पॉकेट, इसके अलावा स्पॉट, सेंटर स्पॉट, पिरामिड स्पॉट, बल्क लाइन, डी लॉन्ग बट क्यू, हाफ बट क्यू, रेस्ट और हाफ बट रेस्ट। ठीक है, इसके अलावा देखिए इस खेल में तीन तरह की गेंदें होती है, सफ़ेद धब्बेदार सफ़ेद तथा पीला और लाल प्रयोग में लाई जाती है। देखिए खिलाड़ी अपना गेंद को धकेलने के लिए क्यू का प्रयोग करता है। खेल के प्रमुख अवयव देखते हैं और जिसे होता है हैजार्ड, हैजार्ड टू विन हैजार्ड। यदि क्यू गेंद दूसरी सफ़ेद गेंद को पॉकेट में डाल दे तो 2 अंक और यदि लाल गेंद को डाल दे तो 3 अंक प्राप्त होता है। इसके अलावा देखिए हैजार्ड हारना टू लॉस हैजार्ड, यदि क्यू गेंद दूसरी सफ़ेद गेंद से टकराकर पॉकेट में चली जाए तो 2 अंक और यदि लाल गेंद से टकराकर पॉकेट में चली जाए तो 3 अंक गंवाने पड़ते हैं। तो हैजार्ड जीतना और हैजार्ड हारना आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए फिर से देख लीजिए, यदि क्यू गेंद दूसरी सफ़ेद गेंद को पॉकेट में डाल दें तो 2 अंक और यदि लाल गेंद को डाल दे तो 3 अंक। और हारने में क्या होता है, यदि क्यू गेंद दूसरी सफ़ेद गेंद से टकराकर पॉकेट में चली जाए ठीक है तो 2 अंक और यदि लाल गेंद से टकराकर पॉकेट में चली जाए तो 3 अंक गंवाने पड़ते हैं। तो यह हैजार्ड हारना। ठीक है, आई होप क्लियर। प्रमुख शब्दावली में देखिए प्रमुख शब्दावली क्या है। प्रमुख शब्दावली में है इन आप पॉट स्ट्रिंग मार्कर स्क्रू बैक स्पॉट शार्ट जेनी कुशन स्क्रैच ब्रेक पॉट लॉन्ग जेनी बोल्टिंग इन आप स्ट्रिंग बोल्डिंग जिगर विजिट्स इत्यादि है सब। इसके लिए देखिए कैरम बिलियर्ड्स में देखते हैं। कैरम बिलियर्ड्स में यह बिना पैकेट वाली मेज पर खेला जाता है। मेज की लंबाई होता है 3.05 मीटर और चौड़ाई होता है 1.52 मीटर। मेज के कुछ अवयव हैं इसको देखते हैं, जिसमें से होता है फुट कुशन, फुट स्ट्रिंग, फुट स्पॉट, सेंटर स्ट्रिंग, सेंटर स्पॉट, हॉट स्ट्रिंग, हैंड स्पॉट और हेड कुशन। इसके अलावा साइड रेल्स एंड डायमंड होता है। इस खेल में 3 रंग की गेंद होता है, लाल जिसे लक्ष्य गेंद बोलते हैं, सफ़ेद और सफ़ेद धब्बेदार गेंद होता है इसके अलावा, या पीली प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए प्रमुख शब्दावली देखते हैं। प्रमुख शब्दावली में लैंगिंग लेग ब्रेक शॉट जंप्ड बॉल फ्रोजन बॉल एक कैरम सेफ्टी शॉट डबल स्टोक क्यू जिगर ब्रेक पॉट इन लक इन नॉप कौन सा कैंसा ओके बोल्टिंग हैजार्ड्स इत्यादि। कुछ ट्रॉफियाँ हैं गोल्फ की, देखिए गोल्फ फ्लैग ट्रॉफी, आर्थर वार्कर ट्रॉफी। तो ये रहा हमारा विलियर्स। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 70 स्नूकर। यह पॉकेट वाली विलियर्स मैच पर खेला जाता है। इसमें 22 गेंद प्रयोग की जाती हैं। 22 गेंदों में से 15 लाल गेंद, 6 पीली गेंद और हरी भूरी नीली गुलाबी और काली होती है, जबकि क्यू गेंद क्या होता है सफ़ेद होता है। वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन इस खेल की क्या है नियामक संस्था है। 1968 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय जो है ब्रिस्टल यूके में है। तो ये रहा चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है कुश्ती। तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।